छोटी सांदड़ी पुलिस ने ट्रैवल में बनी गुप्त स्कीम से 422 किलोग्राम अवैध डोडा चुरा और तस्करी में प्रयुक्त ट्रैलर को जब्त किया है। वहीं मौके से ट्रैलर चालक फरार हो गया। सीआई रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एसपी पूजा अवाना के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व धरपकड़ अभियान के तहत छोटी सांदड़ी पुलिस ने गोमाना चौराहा पर नाकाबंदी के दौरान नीमच की तरफ से एक ट्रैवल आता नजर आया, जिसका चालक पुलिस जब्ता व नाकाबंदी देखकर ट्रैवल को दूर से ही रोककर खेतों में भाग गया, जिस पर ट्रैवल की तलाशी ली गई तो उस ट्रैवल के पीछे लगी ट्रॉली में चैचीस और ऊपर लगे लोहे की चद्दर के बीच में बनी रखी विशेष स्कीम में 20 प्लास्टिक के कट्टों में भरा 422 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने ट्रैलर में मिले दस्तावेज के आधार पर एवं मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पिता मोहन राम पवार निवासी लोहावट की थाना लोहावट जिला जोधपुर में तलाश की जा रही है। मौके पर ट्रैवल छोड़कर भागे चालक की काफी तलाश की गई, मगर कोई पता नहीं चला। पुलिस ने प्रकरण की उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार धौलापानी थाना अधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई द्वारा किया जा रहा है।